प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है बड़ी बात। कैसे करेंगे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को दूर, ये मुख्यमंत्री ने बताया। कहां ये मैं आपको बता दूं, रीवा में पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्य स्तरीय रोजगार मेले में भाग लेने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि रोजगार जो है सरकार की प्राथमिकताओं में है और प्रति माह जो है रोजगार दिवस एक दिन मनाया जाएगा। तो इसी सिलसिले में रीवा पहुंचे थे जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो 1 लाख का टारगेट रखा था कि सरकारी नौकरी से हटके यानी स्वरोजगार की दिशा में युवाओं को ऋण उपलब्ध कराए जाए, लेकिन अब 1 लाख से ज्यादा यानी करीब 5 लाख के आसपास स्थिति पहुंची है जहां पर हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मेरे बहनों और भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में आज दिन 3,33,000 बेटा बेटियों को रोजगार मिला है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। वो बेहतर ढंग से अपना काम धंधा करे और बाकी बच्चों को भी मैं आश्वस्त करता हूं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो स्वरोजगार हो और चाहे वो हमारी बहनों के आजीविका मिशन हो, बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, आजीविका मिशन वाली बहनें साइड पीछे की तरफ बैठी है, नौन बहनों को भी बहुत अच्छा काम कर रही है बहनें। अलग अलग स्व सहायता समूह आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार में चमत्कार पैदा कर रहे हैं और मेरी बहनों तुम जानती हो हर महीने तुम्हारे खाते में बैंकों से मैं पैसे डलवाता हूं और मेरा लक्ष्य है आजीविका मिशन के अंतर्गत जो बहनें काम कर रही हैं उनकी कम से कम आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी ही चाहिए। बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कई तरह के काम उन बहनों को सौंपे गए, एक भी अनेकों काम, चाहे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाना हो, चाहे पोषण आहार बनाने का काम करना हो, चाहे अलग अलग चीजें बनाने का काम करना हो, ये गरीब बहनें भी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और इसलिए जितने हमारे स्व सहायता समूह हैं इनको रोजगार से जोड़ने के अभियान में हम निरंतर लगे हुए हैं ताकि उनकी गरीबी दूर। सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 3,35,000 से ज्यादा ऐसे हितग्राही हैं जिनको ऋण सरकार उपलब्ध करा चुकी है और सरकार स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे भी कदम उठाएगी। यही वजह आपको बता दें कि प्रदेश में जो है बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो काफी ऊपर है। अब सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि सरकारी नौकरियां कैसे उपलब्ध कराई जाए। सरकारी नौकरियों की उपलब्धता न होने की स्थिति में अब आत्मनिर्भरता की दिशा में यानी कि स्वरोजगार प्रदेश के युवाओं को मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री ने जो ये दूरगामी योजना बनाई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो ये विजन है वो यही है कि स्वरोजगार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराया जाए। जैसा कि आपने सुना रीवा में कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि आजीविका मिशन के तहत जो बहनें हैं कम से कम ऐसी स्थिति हो जाए कि महीने में उनकी जो आय है वो 10,000 रुपये तक हो जाए। आलम यह है प्रदेश में, आपको भी पता है कि प्रदेश का युवा जो है वो रोजगार की दिशा में काफ़ी तौर पर अभी तक जो है लगातार प्रयासरत है कि प्रदेश का युवा जो है कैसे रोजगार को प्राप्त करेगा। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जान रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि प्राथमिकता सरकार की जो है वो रोजगार देने की होना चाहिए। और इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर इस बड़ी बात को कहा है और ये भी कहा है कि 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को हमने ऋण उपलब्ध कराया यानी स्वरोजगार की दिशा में सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। और साथ ही साथ इससे पहले आपको ये भी बता दें कि सीएम ये भी कह चुके हैं कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने का हमारा लक्ष्य है। अब सरकारी नौकरी से हटके कैसे प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए अब सरकार का जो फोकस है वो नज़र आ रहा है मुख्यमंत्री को, जैसा आपने सुना, वो नज़र आ रहा है स्वरोजगार की दिशा में ताकि प्रदेश का युवा जो है उसको ऋण उपलब्ध कराए जाएं और वो अपने स्वरोजगार को खुद स्थापित करके इस दिशा में आगे बढ़ सके। रीवा से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे साथ विजय कुमार विश्वकर्मा ने, आप देखते रहे एमपी तक।